आप सब कैसे हो? आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, जो कि हम बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या कैफे में या मैकडी में हम जाते ही अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज लेते हैं। तो आज मैं उसी को आपको घर में बहुत ही इजी स्टेप से बनाना सिखाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए। आलू हमें थोड़े लंबे साइज के चाहिए। अब इनको हम अच्छे से छील लेते हैं। आलू को हमने अच्छे से छील लिया है और इधर हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। पानी हमारा नॉर्मल है। इसी के साथ हम अपने आलू को फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लेते हैं। पहले हम इसको बीच में से काट लेते हैं। इसके हमने इतने बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं। एक आलू में से चार बीच में से हमने इसको चार बार काट लिया है। इसी को हम बिल्कुल लंबा लंबा काट लेंगे। हमें इसको ज्यादा मोटा नहीं काटना और ना ही हमें इसको ज्यादा पतला काटना है। ये इसका साइज होगा और इसको हम साथ के साथ कट करते हुए अपने पानी के अंदर छोड़ते हुए जाएंगे। अगर हम पानी में इसको नहीं डालेंगे तो ये बाहर रखे रखे काले हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने सारे आलू को काट लेते हैं। ऐसे ही हमने अपने सभी आलुओं को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। इसको हमने पानी में डिप कर दिया है। अब इसको हम कम से कम साफ पानी में दो से तीन बार के लिए धोएंगे, क्योंकि जो आलू में से जो स्टार्च निकलता है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए, मैंने आलू को दो से तीन बार पानी में अच्छे से निकाल दिया है। अब इसको मैं एक किचन के कोई भी आप टावल ले लो या कोई भी छलना ले लो, जिसके ऊपर आप इसको फैला दो। इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखना है, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ऊपर से वो अच्छे से सूख जाए। इसको हम हल्का सा ऐसे करके इसको हल्का सा पोंछ भी सकते हैं और फिर हम इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा जल्दी सूख जाएगा। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पंखे के नीचे। देखिए, 10 मिनट बाद ही हमारे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इनके ऊपर हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी मैदा और थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स करके भी डाल सकते हो। अब इसको हम उछाल उछाल के इसके ऊपर चारों तरफ इसकी अच्छे से कोटिंग करने देते हैं। अगर आप चम्मच से चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर का डब्बा, ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया था और ये हमने 2 चम्मच डाली है इसके अंदर। अब इसको हम फ्राई करने के लिए कर लेते हैं रेडी। सबसे पहले हम अपना झरना लेते हैं, उसके ऊपर हम चम्मच से डाल देते हैं। जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर होगा वो इसमें झड़ जाएगा, हमारा तेल ज्यादा खराब भी नहीं होगा। और हमने तेल को साइड में गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमने बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म लेना है। अब इसको हम डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई कर लेते हैं। और इसको हम हल्का सा गोल्डन होने देते हैं। देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राइज गोल्डन हो गए हैं। इसको हम किसी जो गहरा बर्तन है उसके अंदर निकाल लेते हैं। अगर आप एक बार इसको अपने घर में बना के खाओगे तो आप मैकडोनल्ड या फिर कैफे या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना भूल जाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी स्टेप से आप घर में इसको बना के खा सकते हैं। और आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। आप इसको चाय के टाइम पे भी खा सकते हैं। ऐसे ही हम अपने
और डाल लेते हैं फ्रेंच फ्राई, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और इनको हमने फुल हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, आपने गैस को धीमा नहीं करना, फुल फ्लेम पे ही करना है, उससे हमारी अच्छी क्रंची हो जाएगी। ऐसे ही हम अपने सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमने फ्रेंच फ्राइज को सभी को फ्राई कर लिया है। इसी के साथ इसमें मैं ये पेरी पेरी मसाला डालूंगी। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला नहीं है तो आप इसके अंदर काला नमक, सफेद नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये मैं इसमें 2 चम्मच पेरी पेरी मसाला डालूंगी, जिससे कि ये फ्रेंच फ्राइज खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इनको हम अच्छे से उछाल लेते हैं, क्योंकि उछालने से ही इनके सबके अंदर मसाला अच्छे से लग जाता है। ये हमारे कैफे जैसे फ्रेंच फ्राइज बन के हो गए हैं तैयार। ये खाने में बहुत टेस्टी हैं और बहुत ही इजी स्टेप से आप इसको अपने घर में बना के खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।